इन सूरज की किरणों को देख मानो जैसे कोई फूल सा खिलाया है। इस बहती धारा की नगरी में अंधकार से प्रकाश हो आया है। रजनी की समाप्ति के बाद सभा का समय हो आया है। विष्णु की भूमि पर आज नया सवेरा हो आया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम लोग आ गए हैं ऋषिकेश में, जो कि हरिद्वार से अराउंड 20 किलोमीटर दूर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा। अभी हम लोग राम झूले पर खड़े हुए हैं और गंगा जी अपने पूरे वेग से बह रही हैं। ये राम झूला है, इसके आगे ही 500 मीटर दूर लक्ष्मण झूला है। तो जो भी ऋषिकेश के महत्वपूर्ण स्थल हैं या जो भी अच्छी अच्छी जगह हैं, उन सबके आपको दर्शन कराएंगे। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जो भी ऐसी ही वीडियो, भगवान की वीडियो, ट्रैवल व्लॉग, जो भी अगर आपको देखने हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट दिखा सकें। तो चलिए ऋषिकेश की यात्रा पर। सभी के लिए कुछ खास हूँ मैं, हजारों सालों से बह रहा इतिहास हूँ मैं। सभी जीव जंतुओं का सहारा हूँ मैं, महादेव की जटाओं से बहती धारा हूँ मैं। सभी के पापों को अंदर समाती हूँ मैं, अपने अंदर एक दुनिया बसाती हूँ मैं। यूं तो मनुष्य मुझे कई नामों से जानता है, लेकिन एक नाम जिससे मुझे सब जानते हैं, गंगा। परमार्थ निकेतन आश्रम हिमालय की गोद में गंगा के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना 1942 में सुखदेवानंद जी महाराज ने की थी। यह आश्रम मुख्यतः गंगा आरती के लिए जाना जाता है। यहाँ पर रोज शाम को गंगा आरती होती है। तो चलिए आपको गंगा आरती के दर्शन कराते हैं। ऋषिकेश एक ऐसी भूमि जिसे ऋषि मुनियों की भूमि कहा जाता है। भगवान ने राक्षसों का संहार करके ये भूमि ऋषि मुनियों को योग और तप हेतु दी। ऋषियों के तप करने के कारण इस भूमि को ऋषिकेश कहा जाता है। चौरासी कुटिया ऋषिकेश, जिसे बीटल्स आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। चौरासी कुटिया ऋषिकेश की स्थापना महर्षि महेश योगी जी ने की थी और यहाँ पर बीटल्स नाम का एक बैंड, जो कि ब्रिटेन का पॉपुलर बैंड था, वो यहाँ पर एक महीने के लिए योग सीखने आए थे। तभी से इस आश्रम का नाम बीटल आश्रम पड़ गया है। कहा जाता है कि 84 मनुष्य की 84 योनि होने के कारण यहाँ पर 84 कुटिया ही बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई गई है, जिसमें महर्षि के साथ बीटल्स ग्रुप के सारे सदस्य हैं। 84 कुटिया में आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा कि जैसे कि अब सोचिए आप खुद कि वो जगह जहाँ पर सारे ऋषि मुनि तपस्या करते हो, ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो यहीं बस जाए। हो के गैरों सा क्या मिला तुझे, क्या मिला मुझे, बस दर्द में लिपटा तू यहाँ मिला मुझे, मैं वहाँ मिला तुझे। खुशियाँ दूर हुई, सुकून रहा ना पास हमारे, बस गंगा जल सा बहकर तू यहाँ मिला मुझे, मैं वहाँ मिला तुझे। तो गाइस, अब हम लोग आ गए हैं ऋषिकेश में।
ये ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट का रास्ता है। त्रिवेणी घाट मेन आप कह सकते हैं स्नानगर घाट है, जहाँ पर सब लोग स्नान करते हैं और गंगा जी की आरती होती है। कहा जाता है कि त्रिवेणी घाट पर हिंदू धर्म की जो तीनों प्रमुख नदियाँ हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, इनका संगम होता है। त्रिवेणी घाट से ही गंगा नदी दाईं ओर मुड़ जाती है। त्रिवेणी घाट पर एक तरफ आपको शिव जी से निकलती हुई गंगा की एक बहुत अच्छी प्रतिमा है, और दूसरी ओर अर्जुन को गीता ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण भगवान की विशाल मूर्ति आपको दोनों तरफ देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं त्रिवेणी घाट की प्रमुख आरती पर। ऋषिकेश के इस पावन घाट से इस पावन आरती के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।